हेलो बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और ये गैसियस स्टेट से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है जेई नीट के व्यू से। जनरल एग्जाम में भी इसका कभी कभार पूछ दिया गया है। तो ये होता है क्या? तो ये एक रेशियो है, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो सबसे पहले रियल गैस और आइडियल गैस में थोड़ा सा हम रिवीजन करा दें। तो वैसा गैस जो ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल गैस कहेंगे। और जो ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो ना करे तो उसको हम लोग रियल गैस कहेंगे। दुनिया में कोई भी गैस जो है आइडियल है ही नहीं, मतलब आइडियल एक हाइपोथेटिकल टर्म है, समझ रहे हैं बात को? यानी जो भी गैस है वे सब का सब क्या है? रियल है। अब ये आप कैसे कहेंगे जो रियल गैस है ही? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये एज्यूम किया गया जो गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन आप जरा खुद सोचिए, हम लोगों का जो वर्षा होती है ये वर्षा कैसे होती है पता है? ये वाटर सरफेस से, मतलब रिवर से, सी से, या कहीं भी वाटर कंटेनर से एस्केप होता है वेपर के रूप में, और वही वेपर अगेन जो है कूल होने के बाद हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे वेपर मॉलिक्यूल आपस में मिल जाता है और बदल जाता है किसमें? लिक्विड में। इसका मतलब गैस में तो अट्रैक्शन होता है, और जैसे ही अट्रैक्शन होता है तो कह देंगे वे रियल गैस है। लेकिन आइडियल में क्या माना गया? देयर इज नो इंटरेक्शन, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टर्म लाया गया है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो समझ गया है, जो रियल गैस का मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब वन मोल का वॉल्यूम, जैसे ही कहा जाए मोलर वॉल्यूम तो क्या कहेंगे बाबू? वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस। वन मोल गैस को ही हम लोग क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम कहेंगे। यहां गैस का बात कर रहे हैं तो गैस का, किसी और सबस्टांस का बात करेंगे तो किसी और सबस्टांस का, मतलब एक मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको ही कह देंगे मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम किसका? तो रियल का, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम किसका? आइडियल का। इस रेशियो को क्या कहेंगे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी जेड से रिप्रेजेंट किया गया। याद रखना है, बहुत अच्छा से याद रखना है, जो आइडियल गैस के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है? वन। अब जरा विचार कीजिए, यदि जेड का वैल्यू वन होगा तो हम कह दें जो भी डैश एम अपॉन भी एम इज इक्वल टू वन, देयरफोर क्या कहेंगे? भी डैश एम और भी एम दोनों ही बराबर होगा। मतलब यदि हम लोगों से कहा जाए जेड का वैल्यू वन है तो बताइए रियल गैस का मोलर वॉल्यूम और आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम किसका बड़ा होगा? तो हम लोग क्या जवाब देंगे? दोनों ही बराबर होगा। और यदि बात एसटीपी का हो तो कह देंगे दोनों कितना लीटर के बराबर? 22.4 लीटर के बराबर। फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए जेड नॉट इक्वल टू वन, और जब जेड नॉट इक्वल टू वन हो गया तो दो फैक्टर हो गया, एक तो हो सकता है जेड ग्रेटर देन वन, और दूसरा क्या हो सकता है? तो जेड लेस देन वन। दो सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि वन के बराबर नहीं है तो या तो वन से छोटा होगा या वन से बड़ा होगा। तो यदि हम लोग जेड ग्रेटर देन वन, तो इसको नाम दे दिया गया पॉजिटिव डिविएशन। क्या दिया गया बच्चों? पॉजिटिव डिविएशन। और लेस देन वन क्या नाम दिया गया? निगेटिव डिविएशन। डिविएशन का मतलब होता है विचलन, अपने रास्ते से भटक जाना, जो दुनिया में बनाया गया रूल है उससे अलग हो जाना। तो यदि जेड का वैल्यू वन हो जाए तो हम लोग क्या क्या सोचेंगे, थोड़ा सा इस पर विचार करें।
वी डैश एम वी एम ग्रेटर देन वन हो गया, और जब ग्रेटर देन वन हो गया तो वी डैश एम ग्रेटर देन वी एम। क्या समझे इतना से? सोच लीजिए, ऐसा समझाने वाले बहुत कम सर लोग हैं, इसीलिए ठीक से पढ़िए, ठीक ना। और पता तो होगा ही जो कहाँ पे हैं बी किशोर सर, पटना में है ना। तो यदि अच्छा नॉलेज चाहते हैं तो दौगे चले आइए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे वी डैश एम क्या समझाने वाले हैं। ये तो मेरा आइडियल वॉल्यूम है, तो आइडियल तो हमेशा इतना लीटर रहेगा, तो रियल का जो वॉल्यूम है वे आइडियल से ज्यादा हो जाएगा, यानी क्या कह देंगे, ग्रेटर देन 22.4 लीटर। समझे बाबू? यानी रियल गैस का वॉल्यूम जो है आइडियल गैस की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। अब सोच लीजिए, हम इसी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको फिर हम मिटा रहे हैं। देखिए यदि ये लेस हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और जब अब लेस हो जाएगा तो ग्रेटर के बदले क्या हो जाएगा, लेस देन 22.4 लीटर। तो ये जेड का वैल्यू, अब ये दो फार्मूला है, जेड बराबर एक ये याद रखिएगा, पी वी अपॉन एन आर टी। तो जैसे ही हमसे हम आपसे पूछेंगे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताइए, तो क्या फार्मूला बोलिएगा, जो मोलर वॉल्यूम रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस, फिर पी वी इक्वल टू एन आर पी वी सॉरी पी वी बाय एन आर टी। ये दोनों का दोनों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अब हम लोग इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको समझ में कुछ आया हो, थोड़ा सा भी आया हो, तो सबसे पहले वीडियो पर तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और क्या कीजिए, दूसरा काम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझ गए, ताकि दोस्त का भविष्य भी अच्छा हो। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय भारत।